चलो ठीक है भाई, अल्लाह आपको सेहत दे, हमारी तो दुआ है। तो बाकी हमें इजाजत दो, हम चलते हैं फिर। ठीक है भाई। यार वो जो स्किप जा रही है, किसी ने तबीयत खराब की है, दुआ करो अल्लाह से सेहत दे यार, उसके घर वालों को अल्लाह जो है ना परेशानियां दूर करे। उम्र सारी वो जहन आ रहा है, उसको भी बताते हैं। आ जाओ आ जाओ जैन भाई। जैन भाई मैंने आपको बुलाया, इधर आ जाओ। जी अली भाई। यार वो अपना दोस्त नहीं था बिलाल, वो बेचारा बहुत बीमार है, उसकी जाकर मदद करो यार, उसको कोई पता लो, बहुत बीमार है वो बेचारा। हाँ जी। ओहो मैं तो भूल गया, तुम्हें सुनता नहीं, इधर आओ। यार वो अपना दोस्त नहीं है बिलाल। अच्छा बिलाल है। हाँ वो बेचारा बहुत बीमार है, उसका जाके पता लो, वो बिस्तरे मर्ग पे बैठा हुआ है। अच्छा, अच्छा। हाँ जी हाँ जी आ जाओ, जाओ आप। यार मुझे तो कुछ सुनता ही नहीं है, और मरीज की कैसे बातें सुनूंगा मैं। चलो उसके पास चलता हूँ, अंदाजे से कोई जवाब दे लूंगा। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने सुना है कि आप बहुत बीमार हो, क्या हुआ है यार आपको? बस यार पता नहीं क्या बीमारी लग गई है मुझे। अल्लाह आपको सेहत दे भाई। अक्सर मरीजों से बस ये तीन ही सवाल पूछते हैं, आपका क्या हाल है, आपने किस डॉक्टर से इलाज करवाया, और आप कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं भी इनसे यही पूछ लेते हैं। ओ बिलाल भाई आपका क्या हाल चाल है? मैं मर रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या मसला है। और चलो यार अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हो। अरे भाई तुम पागल पागल हो गए हो क्या? ओ अच्छा अच्छा भाई, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो अपना? इजराइल से करवा रहा हूँ इलाज अपना। वो शायद इसने किसी डॉक्टर का नाम लिया होगा, मैं सही बात कह देता हूँ। ओ अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसी से इलाज करवाते रहना और दवाई उसकी खाते रहना। ओ अच्छा, कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हो आजकल? जहर खा रहा हूँ, जहर। ओ भाई बड़ी अच्छी दवाई है, नागा ना करना, रोजाना खाते रहना, अल्लाह ने चाहा तो जल्दी सेहत याब हो जाओगे। उम्र सारी दफा हो जाए जल्दी से। रुक रुक बारा, मेरे पास कभी ना आना, लगता है इसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। इयादत के लिए जाओ तो लोग घरों से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं, कभी नहीं जाऊंगा ऐसे लोगों के घर। रही इयादत